हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आर्दविंदर। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप सिंपल एक HTML के अंदर CSS की हेल्प से एक बढ़िया ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एडिटर खोल लेना, अपना टेस्ट एडिटर, जैसे कोई भी यूज़ करते हो सकते हैं, नोटपैड हो सकता है, कोई भी टेस्ट एडिटर हो सकता है, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर टेस्ट एडिटर होता है जो जिसमें आप कोई भी कोड कर सकते हैं, जैसे HTML या CSS का कोड कर सकते हैं आप। तो इसको मैं अभी आपके सामने एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें ऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है और उसको CSS के साथ कैसे स्टाइलिंग करनी है वो सीखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको पता है रूट एलिमेंट्स होते हैं HTML, HTML को ओपन और क्लोज कर लेते हैं हम, और साथ के साथ कोड चेक करते जाएंगे, आउटपुट भी चेक करते जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे आपका आता है हेड, हेड का सेक्शन वो तैयार होता है। हेड के बाद आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं अपने पेज को, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, ये टाइटल है। बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है, और आगे बॉडी टैग शुरू करना है और क्लोज करना है। इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनानी है सोलर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले एडिंग देता हूँ H1, दैट इज़ अ सोलर सिस्टम, और H1 को क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर मैंने एक OL स्टार्ट करता हूँ। OL मींस ऑर्डर लिस्ट, UL मींस अनऑर्डर लिस्ट। मैं UL स्टार्ट करता हूँ, UL अनऑर्डर लिस्ट होती है। उसके अंदर UL को क्लोज भी कर देते हैं। उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम्स लगानी है, जैसे फर्स्ट लिस्ट आइटम है अपनी मर्करी, और लिस्ट आइटम आपने क्लोज कर देनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मर्करी की जगह चेंज कर देते हैं हम वीनस, और देन पेस्ट अर्थ, देन पेस्ट अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद आप चेंज कर देते हैं जुपिटर, आफ्टर दैट सैचुरन, और देन लास्ट में हम, लास्ट नहीं है, उससे पहले यूरेनस और देन नेपच्यून, यूरेनस लास्ट वन इज दिस वन। तो ये हमारे सोलर सिस्टम की लिस्ट तैयार हो गई है। इसको सेव करना है, फाइल को सेव करते टाइम आपको ध्यान है कि एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसके अंदर फोल्डर बना लेता हूँ वेब पेज, और इसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। कोई नाम दे सकते हैं आप, मैं इसको नाम देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। मेरा पेज जो है सेव हो गया। इसको खोल के ओपन करके देखते हैं कि लिस्ट अपनी रेडी है या नहीं। किसी भी ब्राउज़र में खोल सकते हैं, मैं अभी ब्रेवो ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। देखिए अपनी लिस्ट है जो HTML पेज के अंदर जो डिस्प्ले हो रही है। अब हमने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है स्टाइल के साथ। तो स्टाइलिंग हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप स्टाइल क्लोज करते हैं, और उसके अंदर आप इसकी जो स्टाइलिंग करते हैं उसमें सबसे पहले मैं पूरी बॉडी की स्टाइलिंग कर देता हूँ। बॉडी टैग है, ये सिलेक्टर होता है बॉडी, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं, ये सही है, येलो नहीं है, ब्लैक करते हैं, ब्लैक 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 के ऊपर टेस्ट ब्लैक दिख नहीं रहा, तो उसको वाइट करने के लिए कलर वाइट कर देते हैं हम। तो ये देखिए ब्लैक के ऊपर वाइट कलर डिस्प्ले हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही। तो अब हमने इस लिस्ट की स्टाइलिंग करनी है। लिस्ट आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। हमने देखा होगा कि आपने ये LI लिखा है, LI मर्करी, LI वीनस, तो LI एक लिस्ट आइटम होती है, इसकी स्टाइलिंग करनी है। इसमें आप देख रहे हो कि अभी बुलेट्स आ रहे हैं स्क्वायर की शेप में, मैं चाहता हूँ ये नंबर्स आ जाएँ इसकी जगह पर। तो आप लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल देन टाइप इज इक्वल टू नंबर, ओपन करोगे यहाँ पे नंबरिंग आ गया स्क्वायर्स की जगह पे। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर की जगह अल्फाबेट्स आ जाएं, तो आप लिख सकते हैं रोमन, अपर रोमन, तो अपर रोमन में आ गया। अगर आप लोअर रोमन में लिखोगे तो लोअर रोमन में आ गया। मान लो आप इसको स्क्वायर की शेप देना चाहते हैं जो बुलेट्स हैं, तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी कंट्रोल एस करके स्क्वायर की शेप्स आ गई हैं, और
अगर आप इसको सर्कल की शेप दोगे, सर्कल, तो ये सर्कल की शेप में आ जाएंगे। अगर आप इसको जो डिस्क की शेप दोगे तो डिस्क की शेप में आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको अल्फा किस पे देता हूँ, अपर अल्फा। इन दिस वे आप अपनी एक स्टाइल लिस्ट तैयार कर सकते हैं यूजिंग CSS एंड HTML। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आई हैव यू अंडरस्टूड, तो आप इस पे कमेंट करके और लाइक करके अपना प्रेजेंस जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।